अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। मैं लिटरली एक एक कमेंट खुद पढ़ती हूँ एंड आई जस्ट वांट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विद सो मच लव, क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गाइस आर गिविंग मी। सबको बोलो लाइक कर दे, लाइक एंड सबको बोलो सब्सक्राइब एंड सबको अस्सलाम वालेकुम बोलो, तो बीच पर जाने की तैयारी शुरू है। बीच पर जाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन बीच पर जाते हुए जो तैयारी बहुत मेहनत लगती है यार। मैं तो वैसे ही चल रहा हूँ जैसा हूँ, जो पहना हुआ था मैंने उसी पे जा रहा हूँ। इसने मेरी शर्ट पहन ली है जो कि मुझे बेकार लगती थी, लेकिन इस पर तो बहुत अच्छी लग रही है। अब ये ना मैं वापस ले लूँ तो अब अच्छी लग रही है। मैं जैसे खुले में वैसे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पानी में जाऊँगा, चाहे ऐसे जाए। तो मैं वैसे पानी में जाता नहीं हूँ कभी भी पूरा, लेकिन आज सोचा पूरा जाऊँगा। फिर घर आके नहाना भी होएगा। पट्टी क्या मेरा जो परफ्यूम्स लेके जाती ना, बाकी पोनी वोनी क्यों लेगी। ये कैसे नहीं लग रहा बीच पे जा रही नहाने। सही है, अच्छी लगे। आज आप कितना पानी में जाएंगी? अच्छा, दो दो इंच ऊपर हो गया, जैसे पहले पाँव जाते थे अब थोड़ा सा ऊपर आ गए। चले चले, ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं इतना नहीं चेंज कर सकता, मैं वहाँ जाके चेंज करूँगा। रास्ते से सामान भी लेना है और सुबह 6 बजे बना था प्रोग्राम जाने का, और अब 12 बज रहे हैं। Let's go. तो मेरे हाथों में कितने सारे थैले हैं। ये ले रहा है पानी, वो बिल्ली ढूंढ रहा है कि वो खुल जाएगी तो चल सकेंगे। लेट्स गो। एसी बंद है, टीवी नहीं बंद हुआ। जानो टीवी कौन बंद करेगा। चलो सारे थैलास एंड लेट्स गो। एक ही रखा है, इतनी जरूरत होगी नहीं, कैसे जा रही बाबा के साथ। स्टार्ट करो तो गाड़ी ठंडी हो ना, जरूर दरवाजा खुला है। थैंक यू, मैं लगा लेती हूँ ये। अच्छे लग रहे हैं, कोई बुरे नहीं लग रहे। अब हम लोग आ गए मामा लोगों की बिल्डिंग, यहाँ से हम भरेंगे मस्जिद से पानी। फोन आते मुझे इतने जल्दी कैसे भर ली। इधर पानी का स्पीड बहुत तेज होती है, ये तो बोल रहा था। मतलब 3 सेकंड लगे। जय यू के मेरा बेटी, आ जा मनोड़ा मामा गई है बैंक, उनको बैंक से पैसे विड्रॉ करने हैं, रुनो आए। और बाबा गए हैं आई थिंक सिगरेट पीने शायद, और हमजा हैज़ गॉन टू गेट सम डायपर्स फॉर इनाया, क्योंकि वी डोंट हैव एनी डायपर्स टुडे। सारे खत्म हो गए थे, लास्ट पे ना कर लाए हैं। सो अगर ये डायपर्स खत्म हो गए तो वील बी लाइक स्ट्रैंडेड ऑन मनोड़ा विदाउट देम। ओ हो, याया भी व्लॉगिंग कर रही है। याया के फोन से अपना फोन दिखा, कैसा फोन है आपका। गई सब सामान लेकर आ गया बेटी का। तो, अब मामी को रिकॉर्ड कर रहा पापा। हेलो, हू इज कॉलिंग। ओल्ड है ना, गार्बेज। नो लाइक करने को बोल दो, सब्सक्राइब और सलाम अलैकुम तो करा ही नहीं तुमने। मेरी गाड़ी की ऐसी कूलिंग है,
दो लाइक करो विंडो नीचे की दही। मैं तो अपने कुरकुरे खाऊं सब मिल रहे थे तो ज्यादा लेते रेड वाले आ गए लेकिन इतना रश है पीछे तक लाइक आई डोंट नो शो बट लाइक एवरी कार इज अप क्लोज और मैंने फोन करा हुआ है। अब हम यहां पे एंट्रेंस कराएंगे। अगर आपने मेरा पुराना मनोड़ा वाला व्लॉग देखा है तो उससे आपको पता चलेगा कि पहले एंट्रेंस थोड़ी सी मुश्किल होती थी लेकिन अब बहुत आसान कर दिया है। एक चेक पोस्ट बना दिया जिसके ऊपर आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना है, रजिस्टर करना है, देन यू आर गुड टू गो। एंड ये रोड्स इतनी खूबसूरत हैं एंड इतनी ईजी हैं कि लिटरली इन 5-10 मिनट्स यू एक्चुअली आर एट द बीच। हमें पार्किंग कितनी दूर मिली है? पार्किंग दूर मिली है और आधे घंटे बाद मिली है। हाँ लिटरली आधा घंटा हम फिरते रहे इन रोडों में कि कहीं पार्किंग मिल जाए बट पार्किंग नहीं मिली। फुलन पार्किंग का स्पॉट इज राइट देयर, वी डिडंट गेट इट तो हमने उधर लगा दिया। हम तो पास लेने यहाँ का मिल रहा है, बंद कबाब मिल रहा है, यहाँ अभी हैव सम पकोड़ास, इट्स नाइस। यहाँ होनी थी सुलन गाड़ी पार्क और हमने बाई द एंड ऑफ दैट रोड जाकर यूँ पार्क किया। एक बार आ रही रिकॉर्ड करके इस शॉप पे आपको विंड चाइम्स, पर्दे, घड़ी, फोटो फ्रेम्स, लैम्प्स, ज्वेलरी, हर चीज़ शेल्फ से बनी हुई मिल जाएगी। इट्स जस्ट दैट आई डोंट बाय इट क्योंकि नया तोड़ के खाना जाए इस डर से मैं कभी खरीदती नहीं। पर अगर आप कभी विजिट करते हैं मनोड़ा तो इस शॉप को ज़रूर विजिट करिएगा, दे हैव ब्यूटीफुल स्टफ़। यहाँ से लेंगे हम टिकट्स एंड देन हम जाएंगे अंदर। ये टिकट्स ले लिए, टिकट्स आ गए इधर और हम आ गए अंदर। बाबा आगे से चलेंगे। देख रही हूँ मैं उतार के, देखो ऐसे नहीं, देखो देखो एक दफा। सोचा था हम जेट स्की पे भी जाएंगे लेकिन इतना रश था कि जेट स्की वालों ने जेट स्की बंद कर रखी थी। गर्म मिट्टी है यार, यकी तो हॉर्स के बेबी के पास चलें। हॉर्स आ जाओ, इट्स अ हॉर्स बेबी। पानी में डाल के लेकर आना है तो ले आओ वापस। लगी रहे हम लोग, अब जल्दी निकल गए, आना बिल्कुल वेस्ट हो गया। इस
इतना रश है, इतना रश है। मेरा लास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, सारा कुछ बहुत फाइन एंड परफेक्ट, लेकिन अभी अल्लाह आराम से मामा आराम से। मैंने कहा तुम और डालो व्लॉग अपना, धूप इतनी खुली है उस पर से, ओह अल्लाह रश। हमने पार्क किया इन दुकानों के आगे अपनी गाड़ी, देयर वाज नो स्पेस फॉर अस देयर। को उन्हें लाकर उसके कपड़े चेंज करने वाले हैं, so let's do that. इतना मस्त टैन होकर निकले हैं हम। ये होता है सनब्लॉक लगाए बिना कहीं आ जाने का नतीजा। मामा तो बहुत ही शदीद टैन होकर निकली हैं। अब कहीं रुकेंगे और खाना खाएंगे। हम लोग आ गए हैं इस होटल में कुछ खाने पीने के लिए। मनोड़ा में आज वो आते हैं, वैसे आ सकते हैं कभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मनोड़ा में आपको बात नहीं है, मत आए, अपना पैसा फ्यूल टाइम ना जाया करें। रश बहुत ज्यादा बेकार, वो बात है बात, कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी अब कहीं जाने के लिए। हाँ मैं निकाल रही हूँ, मेरी राजपूत की बिरयानी लड़ा है, लव इट। आप लोग खाए बिरयानी कल दोपहर, परसों दोपहर में थी, यही खाई कल खाई थी, तो रोज खा सकती हूँ मैं बिरयानी, लव इट। पेप्सी दिला दो। मैंने मांगी थी, तुझे दे रहा हूँ। फुल ढाबा एक्सपीरियंस, भूखी। हम आलू के पराठे और चटनी बना के लाए हैं, ये लोग चटनी आलू के पराठे खा रहे हैं। ये मामा बाबा की चाय, बाबा उधर पैसे देने गए हैं। मनोड़ा आना बिल्कुल बेकार रहा, इतना क्राउडेड, बिल्कुल कच्ची पाड़ा बन चुका हुआ है। हमारा 4 months बैक का एक्सपीरियंस और अभी का एक्सपीरियंस इज लाइक ड्रास्टिक, इतना मतलब जमीन आ गई। लोग ये इतना खूबसूरत सॉरी वाटरमेलन का तरह क्या बनाया गया, तो वहाँ वहाँ बोलने लगे, तो ये देखकर गाड़ी यू टर्न लेकर आए हैं बकायदा। इसको क्यों नहीं ले रहे तुम लोग, अगर आप अच्छा बैठे होंगे ना, कब से कटा पड़ा होगा पता भी नहीं है। ये हो रहा है आपका, ये तो कम ही है, 5.5 किलो है ना, इतना खूबसूरत था, देख कर हम यूटर्न लेने आए हैं, अब वापस जा रहे हैं उस रोड में। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट नाउ। मनोड़ा इज अ फेल, बहुत बदतरीन जगह हो चुकी है, और मे बी टुडे इट वाज वेरी क्राउडेड। दिस इज वन टिप दैट आई वांट टू शेयर। पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा जगह हैं नहीं ऐसे खूबसूरत घूमने फिरने वाली, तो देर आर लाइक अ फ्यू। मनोड़ा वॉज वन ऑफ देम। लाइक 4 months पहले वेन वी वेंट देयर, नॉट मेनी पीपल न्यू अबाउट हाउ ऑर्गेनाइज्ड वहाँ का सिस्टम इज, एंड अब लिटरली वो एक कचरा जगह बन चुकी है। ऑल थैंक्स टू पाकिस्तानी एंड कराची की आवाम जो वहाँ जाती है, एंड लिटरली वहाँ पर मैंने क्या कचरा नहीं देखा है, फ्रॉम एल्कोहल बॉटल्स टू सिरिंजेस टू यूज डाइपर्स, एंड दे वर नॉट एक्सपोज प्रॉपरली। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं और दे कैन टच द डाइपर्स, या वो सिरिंज को हाथ लगा सकते हैं चलते हुए किसी के पाँव में विद देयर यू नो सिरिंज की क्या कहते हैं नीडल जो होती है वो घुप सकती है, एंड इट कैन कॉज सो मेनी डिजीजेज। एज यू नो सिटीजन्स हम लोग बोलते तो बहुत हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस प्रॉब्लमैटिक हैं और ये प्रॉब्लमैटिक है वो प्रॉब्लमैटिक है, बट वी डोंट लुक एट अवर सेल्व्स। क्लियरली हमारे पॉलिटिशियंस आर नॉट विजिटिंग मनोड़ा बीच। तो जस्ट 4 months बैक व्हेन वी विजिटेड, इट वाज सच अ क्लीन एंड नाइस प्लेस, एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करा हुआ था, क्लीनलीनेस थी, सब कुछ था। बट जस्ट 4 months के डिफरेंस, मे बी 3 months, इतने से टाइम स्पैन के अंदर नाउ दैट वी हैव गॉन देयर, इट इज़ अ डिज़ास्टर। कचरा, गंदगी, इट्स ऑन पीक, यू नेम इट। यूज सिरिंजेस, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एल्कोहल बॉटल्स, यूज सैनिटरी पैड्स, डाइपर्स, डर्टी डाइपर्स। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो तमीज़ से डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए, तो वो चीज़ें बिल्कुल ऐसे मट्टी में पड़ी हुई थी, एंड लिटरली सिरिंजेस जिन पे अगर आप गलती से स्टेप कर जाएं या कोई बच्चा उन्हें पकड़ के मुंह में रख ले, कितनी कितना कुछ उसकी वजह से डिज़ास्टर हो सकता है। आई थिंक हम जाहिल अवाम को हम वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट ये चीज़ें तमीज़ से डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए। आई एम जस्ट सो कन्फ्यूज कि वाई आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स और सैनिटरी पैड्स, क्योंकि ये चीज़ें तो एडल्ट यूज़ कर रहे हैं, क्लियरली कोई बच्चे तो यूज़ नहीं कर रहे कि वैसे फेंक रहे हैं, जैसे सिरिंजेस ऑब्वियसली वो भी, तो वो जिस तरह से डिस्पोज ऑफ की हुई हैं बीच पर, लाइक
ऑन द बीच. इट जस्ट इट डज नॉट मेक सेंस टू मी कि ये चीज़ें आप रिकॉर्ड करके पोस्ट भी क्या करेंगे. हमारी आवाम इतनी जाहिल है कि ये चीज़ें वो सारे आम उतार के फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. लास्टली इवन बच्चों के डायपर्स डस्टबिन जगह जगह हैं, उसमें जाकर फेंकने में टेक्स लाइक 2 मिनट्स. इट्स ईजियर टू यू नो क्रिटिसाइज हमारा गवर्नमेंट सिस्टम एंड हमारे पॉलिटिशियंस एंड मिनिस्टर्स एंड वॉट नॉट, लेकिन हम खुद को नहीं सुधारते हैं. बिकॉज मैं अगेन आई वुड से कि बीचेस पे आई डोंट थिंक एनी ऑफ द मिनिस्टर्स आर गोइंग टू हैव फन, इट्स ऑल ऑफ अस. तो अगर हम अपने स्ट्रॉज, चिप्स के पैकेट एंड जो कचरा मैंने अभी मेंशन किया है जो कि नहीं होना चाहिए किसी बीच पे का, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, उसको डस्टबिन में या उनकी यू नो एग्जैक्ट जगहों पे जहाँ पे उनको डिस्पोज करना चाहिए उन जगहों पे होना चाहिए, नहीं है. तो हु इज़ टू ब्लेम? सो इट्स अस. तो प्लीज़ ट्राई टू क्लीन योर स्टफ़, क्लीन आफ्टर योर सेल्फ. कोई पीछे कचरा मत छोड़ कर जाएँ. पहले कितनी पोल्यूशन है, कितनी गंदगी है हमारी कंट्री में. कोई एक दो जगह जो साफ़ है हम उसको भी गंदा कर देते हैं. डस्टबिन भी जगह जगह लगाए हुए हैं बट वी वॉन्ट यूज़ दैम. उसकी वजह से नाउ आई वॉन्ट बी गोइंग टू मनोड़ा अगैन बिकॉज इट वॉज सो फिल्थी. नाउ आई डोंट फील सेफ कि मेरा बच्चा चल के जा रहा है, उसके पाँव में कुछ भी चुभ जाए, हो जाए, वो कोई चीज़ उठा के किसी का यूज्ड चीज़ें, कोई बीमारी उसको लग जाए. मैंने जितने लाइक सैनिटरी पैड्स वर लाइक एवरीवेयर, आई एम नॉट इवन किडिंग. बाथरूम्स कितने दूर हैं, लिटरली 3 मिनट की वॉक पे बाथरूम्स हैं. पहले हम लोग इन बारों में अपने घर के मेल्स के आगे बात करने को शर्म समझते हैं, लेकिन हम फेंकने में शर्म नहीं समझते हैं. व्हाट कंट्री एंड व्हाट सोसाइटी आर वी लिविंग इन, दैट इज़ समथिंग जो समझ से बाहर है. तो बेहतर है कि हम बात कर लें और खुद सुधर जाएँ थोड़ा. इट्स हाई टाइम नाउ. देसी पेरेंट्स बोलते थे कि तुम लोग कितने गंदे हो, कुत्ता बिल्ली भी उठते हैं ना जगह से तो साफ करके उठते हैं. एंड क्लियरली नाउ आई फील हम कुत्ता बिल्ली से बदतर हैं बिकॉज एज यू नो द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान स्पेशली कराची, हमने कराची को कचरा खुद बनाया हुआ है, डस्टबिन बना के रखा हुआ है. जहाँ दिल चाहता है खिड़कियाँ खोल के कचरा फेंकते हैं, बीचेस हो या सड़क हो या आपके घर के बाहर का एरिया हो, इट्स एवरीथिंग इज डर्टी. एंड देयर इज अ रीज़न, क्योंकि हम एज you know the citizens of Karachi are not very nice people. We need to change that about ourselves. It's if you want a good future for your kids and yourself, just this is the bare minimum. हालात कुछ हाँ यूँ हैं. दिखाएंगे अब और फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे. जी किस किस्म का लाफ है सर. लाफ ही दाई मेरी तरफ से. तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा. लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, इससे हमारी इंगेजमेंट और रीच दोनों बढ़ती है एंड दैट हेल्प्स. और कुछ कहना है हमें? नहीं कुछ नहीं, हमजा के पकौड़े में कुछ नहीं कहना. और मिलते हैं कल, बाय. ओके तो मिलते हैं एक छोटे नुनु मुन्नू से ब्रेक के बाद. सी यू नेक्स्ट टाइम.